थेफ्ट केस का जैसा कि आप सभी लोग अवेयर हैं 10-11 की दरमियानी रात में हुआ था और हरिओम एजेंसी नटराज इंटरप्राइजेस दो जगह नकबजनी हुई थी रात में, आउटब्रेकिंग बाय नाइट जिसको बोलते हैं, और इसमें शटर के जो ताले हैं वो टूटे थे दुकान से और दो जगह से अलग अलग सामान गए थे। जो संभव जो अभी पता चला है कि कई बार पेट्रोलिंग गाड़ी या कुछ क्रॉस होने के कारण दे कुड नॉट डू, तो इस एरिया में इन्होंने एक आध दिन पहले भी रखी करी। अभी कुछ चीजें और उनसे अभी हैं जो अभी शेयर नहीं कर रहे, जो अभी आप पूछेंगे उनसे कि कब तक कैसे रैकी कर रहे थे। रैकी का पैटर्न अभी इन्होंने नहीं बताया है, बट सर्टेनली एक रैकी करने के बाद ही ये लोग कार्रवाई किया है। तो अभी भी ये लोग से अधिक की रकम थी, 67,20,000 उन्होंने अपने FIR में लिखवाया है और उस रकम को पिछले कुछ दिवस की ये गुटखा का जो व्यापारी है और उसका ये टारगेट भी हो जाता। मेरा मेन ये था कि चाय भी नहीं पिया था दोस्तों के साथ, तो ये था कि कोई अच्छा अवसर मिले तो बैठे चाय वाय साथ में पिए, तो इसी बहाने ये हो गया कि दोनों चीज़ें हो जाएंगी आज का प्रेस नोट, मतलब प्रेस भी हो जाएगा और वी कैन हैव अ कप ऑफ।